एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देख रही हूँ कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई है और थर्ड पार्टी का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको अलग करना है, या उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में आपके पर्सन को गलत ही बताना है, आपको दूर करना ही है, तो क्या आपके पर्सन के सामने उस थर्ड पार्टी का चेहरा आएगा या नहीं आएगा, ये चीज़ें आज हमें इस रीडिंग में देखनी है। उससे पहले व्यूअर्स, हमारा ये जानना जरूरी है कि अब दोनों के बीच में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी पर आपके पर्सन अब करंट में कितना भरोसा कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे, या दोनों के थॉट्स अभी भी एक दूसरे से मेल खा रहे हैं या अलग हो चुके हैं, ये सभी चीजें तो खैर हमें टैरो से पता चलेंगी। तो आपको बस ये याद रखना है, देखिए व्यूअर्स, अगर आप लोगों की सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी है और आपको पता है कि भाई हाँ, मेरी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, कौन है, कब आई है या है ओवरऑल, तो आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। डाउट के बेस पर ये रीडिंग नहीं होगी, ठीक है। डाउट अगर आपको क्लियर करना है तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी होगी, और पर्सनल रीडिंग जो भी होगी वो फ्री नहीं होगी। आपको उसके लिए मुझ तक रीच आउट करना होगा, और आपको मेरा नंबर, जो भी व्हाट्सएप नंबर है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो से पहले मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, कॉल अलाउड नहीं है, कॉल आपको नहीं करना है, जस्ट मैसेज ड्रॉप करना है और आपको उसका जवाब वहां पर जरूर से मैं दे दूंगी, ठीक है व्यूअर्स। रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो आपको अपने आप को पूरी तरह से यहाँ पर रिलेट करके नहीं चलना है। जितना आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपकी सिचुएशंस जितना कनेक्ट कर पा रही है, वही आपको यहाँ पर लेना होगा, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा, यानी कि ये जो भी रीडिंग है वो मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी देख सकता है। इवन ये जो भी रीडिंग होगी वो एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कैसे करके हम देख रहे हैं, वही चीज़ें उसी को फॉलो करेंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच अब करंट में क्या हो रहा है, गाइड कीजिए। चैलेंजिंग टाइम, दोनों के बीच की सिचुएशंस क्या चल रही है, दोनों के बीच अब करंट में क्या चल रहा है, दोनों के थॉट्स अब एक दूसरे को लेकर किस तरह से बने हुए हैं। सीक, शेयर द लव, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन की करंट सिचुएशंस अब क्या चल रही है। मास्टर, ड्रीम्स कम ट्रू, ओके। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ व्यूअर्स, फिर हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अब करंट में क्या हो रहा है, दोनों के थॉट्स अब एक दूसरे को लेकर क्या बने हुए हैं, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। सेवन ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, द हाई प्रीस्ट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम है आपका टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको राशियाँ यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ व्यूअर्स। जो जो मुझे यहाँ पे राशियाँ दिखी हैं वो या तो आपकी होंगी या आपके पर्सन की, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि बहुत स्ट्रांग में मुझे दिखाई दिया है। उसके अलग यहाँ पे व्यूअर्स आपका ये कैंसर, ये पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि ये है, ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है, और ये आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो राशियां तो ओवरऑल सभी आ चुकी हैं। जो मैं आपको अगेन क्लियर करना चाहूंगी, या तो आपके पर्सन की होगी या उस थर्ड पार्टी की जो आप दोनों के बीच में आ चुकी है। नंबर्स के बारे में अगर बात करी जाए, ये नंबर्स, ये राशियाँ, ये इसलिए बताई जाती हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ, आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब यहाँ पर एक ही रीडिंग में क्लियर हो पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए मुझे नंबर 5, 9, 3, 15, 7, 6, 2,
10 एंड 13 ये इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। और मंथ वाइज अगर बात करी जाए तो यहाँ पे हो गया मई, सितंबर, मार्च एंड जुलाई, जून, फरवरी, अक्टूबर एंड आपका ये हो गया अप्रैल मंथ। तो ये आपको कैसे करके लेकर चलना है, जैसे इसी मंथ में आपको उस थर्ड पार्टी के बारे में पता चला या इसी मंथ से आपके पर्सन आपसे दूर हो गए, रीज़न इज थर्ड पार्टी। इसी मंथ में थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन और आपके बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए। इसी मंथ में आपके पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया, आपको अपने आप से दूर कर दिया, आपसे दूर चले आए, या सिचुएशन इसी मंथ से काफ़ी ज़्यादा खिंची सी रहने लगी। इतने साल का रिश्ता आपका था, इतने महीने से, इतने साल से थर्ड पार्टी आपके पर्सन और आपके बीच में यहाँ पर रोड़ा डाले हुए है। तो ऐसे करके आपको आज की इस रीडिंग में नंबर या ये मंथ लेकर चलना होगा। अब बात करते हैं दोनों के बीच में क्या चल रहा है। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ये चीज़ें हैं, जैसा कि पहला कार्ड आया है चैलेंजिंग टाइम। यहाँ पर डेफिनेटली सिचुएशन ऐसी तो है जहाँ पर एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग जैसी बनती जा रही है, यानी कि दोनों साथ तो हैं लेकिन यहाँ पर कोई दो राय नहीं है कि दोनों के जो ओपिनियन हैं, दोनों की जो बातें हैं, जो कभी एक दूसरे के साथ चला करती थी, दोनों एक दूसरे को फॉलो करते थे, वो यहाँ पर नहीं है। दोनों एक दूसरे की बात से सहमत नहीं हो पा रहे हैं और यही रीज़न बन रहा है दोनों के लिए ये जो सिचुएशन है इस वक्त पे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग जैसा बनता जा रहा है। यहाँ पर इसी रीज़न की वजह से दोनों अपने अपने आप में ज़्यादा रहना प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के मन में ये थॉट अब डेवलप होने लगा है कि हम जहाँ पे हैं, जो हमारी सोच है वो सही है। तो जो ओपिनियन हमने रखा है, जो ओपिनियन हमारा है, उसी को यहाँ पे फॉलो करा जाए, उसी को दूसरे के थ्रू माना जाए, यानी कि दोनों यहाँ पर बजाए अब इस रिश्ते के बारे में सोचने के या एक दूसरे के बारे में सोचने के अपनी अपनी जीत को ज़्यादा प्रायोरिटी तो दे रहे हैं। और इवन यहाँ पर ऐसा भी देख पा रही हूँ, अपनी जीत के चलते, अपनी जीत को ज़्यादा ध्यान में रखने के चलते यहाँ पर दोनों अपने लिए स्टैंड लेने से मुकर भी नहीं रहे हैं। यानी कि पहले तो ये था ना, राम मिलाई जोड़ी वाली चीज़ें चल रही थी कि उसने अगर दिन को रात कहा तो वही रात कही जा रही है, लेकिन अब यहाँ पर अगर उसने दिन को रात कहा ना तो अगला पर्सन यहाँ पर स्टैंड ले रहा है कि भाई नहीं, गलत चीज़ तो गलत ही है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे चीज़ें, सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बनते हुए दिख रही है। उसके अलग मुझे बहुत ज़्यादा ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इन दोनों के बीच में सीक्रेट्स, राज आ चुके हैं। यहाँ पर कोई इंसान किसी और को अपना प्यार बांट रहा है या बांट रही है, यानी कि पहले तो ये थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में एक ट्रायंगल बना था, लेकिन अब मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि इन दोनों के बीच में भी एक ट्रायंगल आ चुका है। एक प्रिस्टेस की एनर्जी है, कोई राज यहाँ पर है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर प्यार जो है वो कहीं और बांटा जा रहा है एक पर्सन के थ्रू, जिस रीज़न की वजह से ये सिचुएशन काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो रही है। और मुझे ना व्यूअर्स, ये जो ट्रायंगल है ना, ये थर्ड पार्टी की साइड से आता हुआ ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसी चीजें दिख रही है कि थर्ड पार्टी अपना प्यार कहीं और बांट रही है, अपना भरोसा कहीं और बांट रही है। चाहे तो वो प्यार कोई रोमांटिक पर्सन को बांटा जा रहा है, या थर्ड पार्टी अब किसी और की ज़्यादा सुन रही है, किसी और को ज़्यादा प्यार दे रही है। देखिए, अब आप एग्जांपल लेकर चलिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पर्सन और आपके बीच में ये जो थर्ड पार्टी है कोई रोमांटिक पर्सन है, तो रोमांटिक पार्टनर का भी कोई और एक रोमांटिक पर्सन है एज अ राज, जो आपके पर्सन को समझ तो नहीं आ रहा है लेकिन थर्ड पार्टी के बिहेवियर से चीज़ें यहाँ पर कॉम्प्लिकेट हो रही हैं। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें देखी जाएंगी कि आपके पर्सन को इसका सच पता चल रहा है या चलेगा या नहीं, या फिर यहाँ पर अगर रोमांटिक पार्टनर हैं आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी, तो यहाँ पर रोमांटिक पार्टनर का परिवार एक थर्ड पार्टी बना हुआ है जो कहीं ना कहीं अपनी बातें, अपने ओपिनियन, अपने डिसीजंस थर्ड पार्टी के माध्यम से आपके पर्सन के ऊपर थोप रहे हैं। दूसरा, अगर यहाँ पर आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी परिवार है, दोस्त यार हैं, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि अब यही परिवार, ये दोस्त यार या यही पेरेंट्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन को
एज अ प्रायोरिटी लेने के चलते अपने किसी और बच्चे को प्रायोरिटी दे रहे हैं या किसी और को यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, उसका कंपेयर आपके पर्सन से करा जा रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो प्यार कभी एक वक्त पे आपके पार्टनर के हिस्से हुआ करता था, वो यहाँ पर थर्ड पार्टी के माध्यम से बांटा तो जा रहा है, और यही रीज़न बन रहा है सिचुएशन का टाइट होने के पीछे का, थर्ड पार्टी का आपके पर्सन को लेकर बिहेवियर चेंज होने के पीछे का, या थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर अपनी अपनी जगह पर अपने आप को सही मानकर जो बैठे हैं और उसके लिए स्टैंड लेने के पीछे का। यहाँ पर ऐसा भी देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये सभी खींचातानी, ये सभी चैलेंजेस कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अपने उन्हीं ख्वाबों को फॉलो करने के लिए, उन्हीं ख्वाबों का पीछा करने के लिए ने बोल रहे हैं। जो ख्वाब कभी एक व्यक्ति इस पर्सन ने आपके साथ देखे थे, या वो जो ख्वाब इन्हें आपके साथ मिल रहे थे, या फिर वो ख्वाब जिन्हें इन्होंने ना इसी थर्ड पार्टी की वजह से तोड़े, देखिएगा यहाँ पे वही ख्वाबों को ये पर्सन इस खींचातानी में, सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एज एन अगर ये किसी कपल को देखते हैं, किसी फैमिली को देखते हैं जो बहुत खुश हैं, अपनी लाइफ में सिक्योरिटी उनके है, सुकून है, शांति है, तो आपके पर्सन अब इस टाइट सिचुएशन में कहीं ना कहीं उसी पल को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी डेफिनेटली यहाँ पर बहुत स्मार्ट है, बहुत ब्रिलियंट है। उसने पहले तो आपके पर्सन को आपसे दूर करा, उसने आपके पर्सन को जो उनका कंफर्ट जोन था, जो उन्हें आपसे मिल रहा था, उसे यहाँ पर ख़त्म करा, जो कम्युनिकेशन था आप दोनों के बीच में उसे यहाँ पर ब्लॉक करा, और अब वो आपके पार्टनर को जब पूरी तरह से कंट्रोल कर चुकी है, पूरी तरह से हेल्पलेस कर चुकी है, उनके सपनों का यहाँ पर भन्यास उतार चुकी है ना, तब ये थर्ड पार्टी अपने मतलब एज एन ये आपके पर्सन को जब पूरी तरह से कंट्रोल कर चुकी है, तब ये अपने असली मकसद पर जा रही है। जैसे इन्हें तो पूरी तरह से हेल्पलेस करके छोड़ दिया, पूरा षड्यंत्र यहाँ पर रचा, और अब अपनी ज़िंदगी में सुकून, प्यार, जीत वो हासिल करने के पीछे भाग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अकेला जो रहा वो कौन रहा? आपके पर्सन। यहाँ पर खुशियों को जो ताला लगा वो आपके पार्टनर की खुशियों को लगा, यहाँ पर जो उल्लू बना वो आपके पर्सन का बना। तो सिचुएशन डेफिनेटली यहाँ पर बहुत टाइटफुल चल रही है, और यहाँ पर आपके पर्सन हो ना हो थर्ड पार्टी के सपनों को पूरा करने के लिए, उसे स्टेबिलिटी देने के लिए, या जो भी रिचुअल्स इसने आपके पर्सन के सामने रखे उसे बनाए रखने के लिए, ये अपनी साइड से सब कुछ देते आए या करते आए, लेकिन अब आपके पार्टनर यहाँ पर अपने आप से अपने आप को इसके साथ रहकर भी पूरी तरह से अकेला पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जीत या हार का तो मुद्दा ही नहीं बचा। यहाँ पर जो बचा ना इनके हिस्से, वो सिर्फ इमोशनली वे में एक अकेलापन, एक खालीपन ही बचा है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी का जो भी प्यार है वो कहीं और शेयर करा जा रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि भाई थर्ड पार्टी ने पूरी प्लानिंग करी है, उसने अपना मकसद पूरा करा, उसने यहाँ पर पूरी तरह से चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करी हैं। तो यहाँ ये जानना तो ज़रूरी बनता है कि क्या इस थर्ड पार्टी का चेहरा आपके पर्सन के सामने आएगा या नहीं, क्योंकि सिचुएशन तो अभी ने यही बोल रही है कि भाई अब तुम्हें जल्दी से जल्दी इसका चेहरा समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो तुम अपना नाश खुद से पीट लोगे, बर्बाद तुम खुद ही हो जाओगे, और तुम्हें यह भी नहीं पता चलेगा कि भाई मैं बर्बाद हुआ तो हुआ क्यों, तो वो चीजें हैं, या बर्बाद में हुई तो हुई क्यों। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या थर्ड पार्टी का ये चेहरा व्यूअर्स के पर्सन के सामने आएगा या नहीं, क्या उन्हें ये दिखेगा या नहीं, गाइड कीजिए बताइए डिवाइन, गाइड कीजिए बताइए डिवाइन। हेरोफेंट, रिट्यूअल्स भी रीजन बना, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, द हाई प्रीस्ट, क्या थर्ड पार्टी का चेहरा व्यूअर्स के पर्सन के सामने आएगा या नहीं, गाइड कीजिए। यहाँ पे ना ये डेविल की एनर्जी व्यूअर्स टू टाइम्स आई है,
यानी कि पॉसिबिलिटीज है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कंट्रोल करने के लिए, अपने फेवर में रखने के लिए इन्होंने इनके ऊपर कोई नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव एनर्जी, यानी कि वो जो ब्लैक मैजिक वगैरह होता है ना, उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल करा है, उसकी भी मुझे पॉसिबिलिटीज दिख रही है। एस ऑफ वैंड्स, जी हाँ, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बन रही है कि इस थर्ड पार्टी का चेहरा आपके पर्सन के सामने ज़रूर से आएगा ही आएगा। यहाँ पर भी जो हालात चल रहे हैं वो धीरे धीरे करके आपके पर्सन की आंखें तो खोल रहे हैं, क्योंकि अब अपने आप में जितना खुश नहीं रह पा रहे हैं, अपने आप से जितना ये हर्ट हो रहे हैं, या अपने आप से जितना इस इंसान को आपसे जुड़े हुए सपने आप इन्हें याद आ रहे हो, उतना ज़्यादा यहाँ पर इस इंसान को इसका चेहरा भी तो समझ में आ रहा है। और ये चीज़ें ना अभी भले एक धुंधली हैं, यहाँ पर एक धुंधलापन है, लेकिन इस चीज़ को आने में अब वक्त नहीं रह गया है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। यानी कि ये जो भी धुंधलापन है ना, ये यहाँ पर बहुत जल्द क्लियर होने वाला है, ठीक है। थर्ड पार्टी के मामले में सबसे पहला सच तो आपके पर्सन को ये समझ में आएगा कि जो भी रिचुअल्स इस थर्ड पार्टी ने आपके सामने रखे, जो भी समाज और ये सब की दुहाइयाँ आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी ने रखी, वो सब बेबुनियादी हैं। यानी कि उसके पीछे कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं है जो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के सामने रखा। इवन ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है कि इनकी खुद की फैमिली में कोई ऐसा रिश्ता रहा जहाँ पर ऑलरेडी ये डिफरेंसेस रहे हैं, लेकिन स्टिल आपको और आपके पर्सन को यहाँ पर एक दूसरे से अलग करने के लिए इन सभी चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा वैल्यू दी गई है। तो ये सबसे बड़ा सच जो है थर्ड पार्टी के रिगार्ड आपके पर्सन के सामने आएगा। थर्ड पार्टी कितनी मैन्युपुलेटिव है, कितनी दोगुली है, कितना ज़्यादा किस तरह से अपने हथियारों को, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आपके पर्सन को आपसे दूर ले आई है, अपने आप को कामयाब करने के लिए, अपनी ज़िंदगी के मोटिव्स को पूरा करने के लिए, ये सच भी आपके पर्सन के सामने डेफिनेटली आएगा विद दिस द मैजिशियन। यानी कि इस थर्ड पार्टी ने अपनी पावर का किस तरह से गलत इस्तेमाल करती आ रही है, ये सारे सच आपके पर्सन के सामने आएंगे। थर्ड पार्टी ने जो भी सीक्रेट, जो भी राज रख रखे हैं, चाहे वो आपके पर्सन को कंट्रोल करने के लिए इन पर काला जादू करा हो, या मैन्युपुलेटिवली चीज़ों को डील करा हो, या झूठे रिचुअल्स ही क्यों ना रखे हों, ये सभी यहाँ पर डेफिनेटली आपके पर्सन के सामने साक्षात आएंगे। इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रही है व्यूअर्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर इनके सामने कुछ नहीं आएगा। इवन ऐसा देख पा रही हूँ धीरे धीरे आपके पर्सन ये चीज़ें समझ पाएंगे कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को किस तरह से चक्रव्यूह में फंसाया, ठीक है। और उस चक्रव्यूह में रहकर आपके पर्सन को इसका काला सच, जैसे जितना ज़्यादा ये इसके साथ रह रहे हैं, जितना ज़्यादा इसके कंट्रोल में पहुँच रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें रियलाइज़ होगा यहाँ पे कि हाँ ये चक्रव्यूह में फंसे हैं, और ये सब फंसाने की साजिश इस थर्ड पार्टी की थी, ताकि आपके पर्सन आपसे दूर हो, अपने सपनों से दूर हो, या फिर अल्टीमेटली इसके मन मुताबिक ये चले। तो सब सच आना है, ऐसा नहीं है कि सच नहीं आता। इसका ये जो थर्ड पार्टी है, एक और ये लव ट्रायंगल जो बन रहा है, वो भी सच यहाँ पर डेफिनेटली आपके पर्सन के सामने आएगा। और मुझे ऐसा दिख रहा है उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है व्यूअर्स, बस यहाँ पर समझ लीजिएगा आप 1 महीने से लेकर 6 हफ्ते, ठीक है, इतना वक्त और यहाँ पर लगेगा कि आपके पर्सन को जो अभी चीज़ें धुंधली हैं, जिन पर अभी इन्हें डाउट हो रहा है, जिन पर अभी ये पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, उतने वक्त में वो सभी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर भी हो जाएंगी। तो उसकी भी मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। बस आप अपनी तरफ से अगर हो सके तो पॉजिटिव रखिएगा, और बजाय थर्ड पार्टी को स्ट्रांग करने के लिए कि थर्ड पार्टी ऐसी है, वैसा करा, ये करा, वो करा, वो मैनिफेस्ट करने की जगह आप यहाँ पर यही कोशिश करिए व्यूअर्स कि आप अपने पर्सन को स्ट्रांग करिए, उनके सामने ये सच आए उस तरह के अफर्मेशन का आप यहाँ पर इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि चीज़ें और स्मूथली यहाँ पर मूव करें, ठीक है। तो 1 महीने से लेकर मुझे 6 हफ्तों की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि इतने वक्त में आपके पर्सन के सामने डेफिनेटली
सभी चीजें आएंगी, इनकी आंखें जो अभी धीरे धीरे खुल रही हैं या अभी उस आंखों के सामने कचरा है वो यहाँ साफ जरूर से हो जाएगा, ठीक है व्यूअर्स। और उसकी शुरुआत ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, हो चुकी है। आपके पर्सन को जो अभी तक इस थर्ड पार्टी के मामले में फर्क पड़ता था ना कि ये इससे दूर चले जाएंगे या अगर ये दूर हो गए तो इसका क्या होगा, वो फर्क पड़ना भी यहाँ पर बंद हो जाएगा, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। जब ये खुद यहाँ पर सच को जान पाएंगे तो वो सच इस इंसान के खुद के पैरों के नीचे से जमीन को खिसकाएगा और इस इंसान को इस थर्ड पार्टी से दूर भी लेकर आएगा। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशंस डेफिनेटली बनेगी जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। देखते हैं इस थर्ड पार्टी के सच को जानकर क्या आपके पर्सन अल्टीमेटली आपकी तरफ बढ़ेंगे या नहीं, ये देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन के सच को जानकर, इस चेहरे को देखकर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ बढ़ेंगे या नहीं, गाइड कीजिए बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स, वक्त लगेगा इस इंसान को, ऐसा नहीं है कि इससे निकलकर ये तुरंत आपकी तरफ बढ़ जाएंगे, यहाँ पर वक्त लगेगा क्योंकि अल्टीमेटली ये इंसान ना एक स्ट्रेस में, एक डर में, एक डिप्रेशन में ज़रूर से जाएंगे क्योंकि यहाँ पर इनका भी भरोसा टूटेगा। एक रिश्ते से धोखा खाकर इस इंसान का फिर से आपकी तरफ बढ़ना, एक नई शुरुआत करना डेफिनेटली डिफ़िकल्ट तो होगा। पॉसिबिलिटीज़ है इन्हें यहाँ पे वक्त लगे जैसे अपने आप को हील करने में, शांत करने में, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करने में, या फिर अपने आप को इस तरह से डिसाइड करने में कि अब इन्हें आपकी तरफ वापस लौटना चाहिए या नहीं, उन सभी चीज़ों में वक्त यहाँ पर इस इंसान को लगेगा। और व्यूअर्स मुझे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं, देखिए 11 हफ्ते भी लग सकते हैं इस इंसान को, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आ रही है उसके, ठीक है, यानी कि उसके बाद के 11 हफ्ते आप लेकर चलिएगा, ठीक है। तो ऐसी मुझे पॉसिबिलिटीज बनते हुए दिख रही है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो इस रीडिंग से। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिलती है और आप कनेक्ट कर पाए हैं लेकिन फिर भी आपने लाइक नहीं करा तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा व्यूअर्स, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, ओके बाय बाय।